हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आज टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, देखो द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। ये 10th क्लास में से है, चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लास्ट टाइम हमने किया हुआ है nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, याद होगा आपको। nth टर्म ऑफ एन एपी an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सम, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो सम का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि वी नो दैट ए ए प्लस बी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, और इसकी जो nth टर्म बनती है वो हमारे पास बनती है कौन सी nth टर्म है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये हमारे पास है टर्म्स, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स है किसकी, ऑफ एपी, क्लियर, टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम कैसे होगा, देन सम इज, तो सम का मतलब क्या होगा, एस, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, ठीक है, एन टर्म्स है, दैट्स व्हाई एस एन, क्लियर। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। तो मैं इसके लिए साथ में एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं एस फाइव, क्लियर। अब देखिए इसको कंपेयर करके चले गए तो इजी रहेगा हमारे लिए। अब देखो रीअरेंज कर लो इसको, रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, अगर मैं इसको लास्ट से लिखना शुरू कर दूं, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, क्लियर। तो इसकी मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर रहा हूं, एस एन इक्वल टू पहली टर्म लिख रहा हूं ए एन माइनस वन डी, ठीक है जी। उससे पिछली टर्म क्या आएगी, एक और डी कम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस एन माइनस टू डी आएगा एंड सो ऑन। लास्ट पे क्या होगा, ये हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी, क्लियर, सेम लाइक दिस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम मान लेंगे वन और इसको हम मान देंगे टू, तो ऐड कर दो वन एंड टू, ऐड वन एंड टू, दोनों को ऐड करना है। मैं यहां पे ऐड करके बताता हूं, तो ये हमारे पास बन जाएगा टू एस फाइव इज इक्वल टू वन प्लस फाइव टू प्लस फोर थ्री प्लस थ्री फोर प्लस टू एंड फाइव प्लस वन, क्लियर, ठीक है। इट इज फाइव टाइम्स, कितनी बार ऐड कर रहे हैं, फाइव टाइम्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे अगर हम एस एन को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा टू एस एन, क्या बनेगा, टू ऑफ एस एन। इसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टू एस एन। अब इनको देखिए जरा, इनको देखिए, ए प्लस ए बन जाएगा टू ए, प्लस में आ जाएगा एन माइनस वन डी, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड किया, ठीक है, इसको इससे। अब इसको इससे ऐड कीजिए, ए प्लस ए अगेन टू ए, ठीक है। अब आप इसको साइड वे करके देखिए, एन माइनस टू डी प्लस बी, एन माइनस टू डी प्लस डी, तो डी इज कॉमन, तो ये बनेगा एन माइनस टू प्लस वन, दैट इज अगेन एन माइनस वन डी, क्लियर। मतलब इसमें भी हमारे पास बन जाएगा एन माइनस वन डी। इट मीन्स जैसे यहां पे सारे सिक्स 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 बन गए हैं तो यहां पे ये टर्म्स बन जाएंगी, और कितनी बार बनेंगी, एन टाइम्स, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे था सिक्स फाइव टाइम, तो ये आ जाएगा फाइव इंटू सिक्स, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा एस फाइव इज इक्वल टू थर्टी अपॉन टू, यानी कि फिफ्टीन आंसर, क्लियर। अब यहां पर ऐसे ही है, तो एस एन किसके को आएगा, देखिए टू एस एन, वो आपके पास आ जाएगा कितनी बार है, एन टाइम्स, तो आ जाएगा एन
मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन डी। क्लियर? अब आपको तो क्लियर हो गया हमने क्यों ऐसा किया है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं इसको टू को शिफ्ट कर रहा हूं इस साइड पे, तो यहां पे हमारे पास जो एस एन आएगा दैट इज एन ओवर टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन डी, ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन डी। ठीक है जी, क्लियर? तो इट इज सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जिसमें हम किसी भी एपी का सम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें टर्म्स गिवन है। क्लियर? अगर हमें क्या गिवन है, टर्म्स। क्लियर? अब देखिए एक और फॉर्मूला हम इन्वेंट करते हैं, और भी बन सकता है। देखिए और जैसे हमारे पास है एन ओवर टू, अब देखिए टू है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये इस चीज को, ठीक है? ये आपकी हमेशा टर्म होती थी लास्ट टर्म ऑफ एपी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल के साथ। तो यहां पे देखिए एन ओवर टू, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एल, दैट इज अनदर फॉर्मूला। ठीक है, एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया एस एन का, दैट इज एन ओवर टू ए प्लस एल। क्लियर? तो ये हमारे पास दोनों सम के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? अलग अलग सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है, कहां पे वो यूज करना है, कहां पे वो यूज करना है। ओके बेटा, टेक ए लुक। देखो बेटा एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ एन एपी 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, मतलब इसके हम 10 टर्म्स कंसिडर करेंगे, उसका हमने सम फाइंड करना है, ठीक है? तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास ए है वो हमारे पास है 2, ठीक है? आगे डी जो है हमारे पास वो कितना है 7 माइनस 2, दैट इज 5। क्लियर? इसके बाद देखिए जो एन है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो हमें दिया हुआ 10। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि किससे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वन। क्लियर? तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि जो हमारे पास एस एन है वो किसके इक्वल है, एन ओवर टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन डी। ठीक है, इसमें भी आपके पास फोर थिंग्स हैं, जरा देखिए फोर पैरामीटर्स हैं। एस एन मीन सम ऑफ टर्म्स, ए मीन फर्स्ट टर्म, एन मीन्स पोजीशन ऑफ टर्म, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें भी चार पैरामीटर है, तीन गिवन होंगे, बाकी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो s ऑफ 10 जो आएगा दैट इज 10 ओवर 2 ट्वाइस ऑफ a 2 इंटू 2, एन माइनस वन मीन्स 10 माइनस वन दैट इज 9, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9, 9 इंटू में d आ जाएगा हमारे पास 5। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10 ओवर 2 जो अंदर दैट इज 5, ब्रैकेट ओपन कीजिए 4, 9 5s are 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 into 49, तो 49 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 250 एंड माइनस वन, ये आपका आ जाएगा 245। करके देख लीजिए 9 5s are 45, 5। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो सम बनेगा 10 टर्म्स का वो हमारा बनेगा 245। क्लियर? ठीक है बेटा। ओके बेटा टेक ए लुक। ओके बेटा नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ 2, 7, 12, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज 47। ठीक है, तो इसके इसमें देखिए जो हमें करना है, क्या करना है, हमें इनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ए गिवन है, ए इज 2, अगेन जो हमारे पास बी है दैट इज 7 माइनस 2। क्लियर? उसके बाद जो लास्ट टर्म यानी कि ए एन और लास्ट टर्म दी हुई है दैट इज 47। क्लियर? अब देखिए सम के लिए जो सबसे जरूरी चीज है दैट इज एन, हमें एन चाहिए होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो दो स्टेप में होगा ये सम। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी, बिकॉज एल इज गिवन, तो ए और एल गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। बस मुझे चाहिए एन, एन की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ए एन गिवन हमें, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज 47। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू 2 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 5।
तो देखो टू इधर माइनस कर दीजिए 45, एन माइनस वन इंटू फाइव बचेगा, फाइव से इसकी कटिंग कर दीजिए 9, 9 माइनस वन, तो यहां से एन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 10। क्लियर, इस वजह से मैंने कटिंग की है। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में 2 को इधर शिफ्ट किया, सेकंड स्टेप में 5 से इसकी कटिंग कर दी, नेक्स्ट स्टेप में 1 को फिर इधर शिफ्ट कर दिया दैट इज 10। तो देखिए आप, ये पिछला सम बन गया जो हमने किया था, याद होगा अभी, ठीक है, अभी एग्जांपल 1 की थी। तो Sn के लिए यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं n ओवर 2 a प्लस l, आप फर्स्ट वाला भी लगा सकते हो बट यहां पे l गिवन है दैट्स व्हाई n ओवर 2 a प्लस l। नाउ n इज 10, n ओवर 2 a इज 2 एंड l इज 47, अगेन 5 इनटू 49, तो आंसर इज 245। क्लियर, तो इस बार भी जो हमारा S10 है 245 ही बना है। तो मैंने सेम एग्जांपल ली थी, बस उसमें लास्ट टर्म रख दी थी। पिछली बार में क्या था, यहां पे था 10 टाइम्स, इस बार हमें लास्ट टर्म गिवन है, और जब भी लास्ट टर्म गिवन होगी तो पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? ओके, टेक ए लुक। देखो बेटा नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मींस वी हैव टू फाइंड n ऑफ एन ए पी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। मतलब हमें इस ए पी की कितनी टर्म्स कंसीडर करनी पड़े हैं ताकि जो एस एन बने वो बन जाए 636, मतलब हमें एस एन गिवन है, और a की वैल्यू फिर से भी हमारे पास है 9, और d की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है 17 माइनस 9, 17 में से 9 माइनस कीजिए दैट इज 8। क्लियर, तो फिर से देखिए हमें n फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वन बिकॉज l इज नॉट गिवन। क्लियर, तो यहां पे देखिए Sn किसके इक्वल होता है, n नंबर 2 ट्वाइस ऑफ a एन माइनस वन डी। क्लियर, ठीक है, तो एस एन इज 636, एन की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है एन एज इट इज, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा 9, 2 इंटू 9 क्लियर, एन हमने फाइंड करना है, नाउ डी इज 8, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू ये आपके पास बन जाएगा 1272, ठीक है, n एज इट इज यहां पे हमारे पास आ जाएगा 18, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 8n माइनस 8, नाउ इट बिकम 1272, ये बनता है हमारे पास 18 माइनस 8 10, तो इट इज 10n, प्लस में आ जाएगा 8n स्क्वायर। क्लियर, अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक में देखिए आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, फिर 4 निकाल लीजिए, ठीक है, 4 भी 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन आएगा तो हमारे पास बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6, 36 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमारे पास ना n की वैल्यूज आ जाएंगी, तो आप फैक्टर्स बनाइए, ठीक है। देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 2 के 4 के बन जाएंगे 2 इंटू 2, और 6 36 के हमारे पास बन जाएंगे 2 318 अगेन विद 2 154, सॉरी 159। क्लियर, नेक्स्ट विद 3 5 एंड 3। क्लियर, आगे इसके फैक्टर नहीं बनते, आगे देखिए 53, ये बनता है 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 12 4 द 48, तो इसके फैक्टर जो बनते हैं दैट इज 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n
-6 36 = 0। अब यहां पे देखिए हमारे पास n कॉमन, तो यहां पे बचेगा 4n + 53। अगेन यहां से हमारे पास जो कॉमन आएगा दैट इज 12 कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 4n - 53, ठीक है, = 0। चेक कर लीजिए, ठीक है, 53 - 45 5 बनता है, क्लियर। तो 53 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, 12 3 36 6 3 12 5 60, तो ये बनता है 636, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए, फर्स्ट वन इज n 4n + 53 एंड सेकंड फैक्टर इज n - 12 = 0। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि अगर दो की प्रोडक्ट है हमारे पास किसी भी वे में, दो नंबर्स की या दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट हो जीरो के इक्वल, तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू जीरो और सेकंड वन, ठीक है, आइदर इधर 4n + 53 इक्वल टू जीरो और n - 12 = 0। तो देखिए यहां से n की वैल्यू आ जाएगी -53/4 और हियर n = 12, ठीक है। तो यहां पे जो n है वो आपका हमेशा कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, तो दैट इज रिजेक्टेड, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आएंगे, दैट इज 12 टर्म्स नीडेड टू गिव अ सम 636, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 3, क्लियर, ओके बेटा। देखिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n² मीन टू से हमें गिवन दिया हुआ है Sn = 4n - n², ठीक है। तो मुझे फाइंड करनी है 10th टर्म, मतलब मुझे फाइंड करना है a10, मतलब कुछ भी आ सकता है, an भी आ सकता है, a10 भी आ सकता है, 20 आ सकता है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। इसको कैसे करना है, देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं यहां पे एक रिलेशन लिख रहा हूं। योर रिलेशन क्या है, रिलेशन है रिलेशन बिटवीन an एंड sn। an आपको पता है क्या होता है, nth टर्म, और ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। ये हमारे पास जो रिलेशन होता है ना ए एन का, ये होता है हमारे पास Sn - Sn - 1, ठीक है। इसको हम समझते हैं विद एग्जांपल, करके देखते हैं प्रूफ, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास मान लो S1 है, S1 का मतलब होता है सिंगल फर्स्ट टर्म, दैट इज ओनली ए। S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, क्लियर। S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, क्लियर। ये तो आपको सभी को पता है, S1 का मतलब पहली टर्म ऐड करनी, S2 का मतलब टू टर्म्स, S3 का मतलब थ्री टर्म्स, S4 का मतलब सम ऑफ फोर टर्म्स, ठीक है। अब देखिए ना, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि S4 - S3 कर दू, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये आपस में कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, A4, क्लियर। इसी वजह से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, A1 A2 कट हो जाएंगे, बचेगा A3, तो A3 हमारे पास आ जाएगा S3 - S2, ठीक है। हम जनरलाइज कर लेते हैं, तो अगर An फाइंड करना है, An यहां पे 4 है तो 4 - 3, 3 है तो 3 - 2, क्लियर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो A4 है उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, S4 - S4 - 1, A3 है उसको लिख सकते हैं S3 - S3 - 1, अगर यहां पे n आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, Sn - Sn - 1, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए फॉर्मूला को, ठीक है। ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन है जो सम का और nth टर्म का है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने A10 फाइंड करना है, तो A10 के लिए मैं यूज करूंगा An = S10 - S10 - 1, दैट इज S10 - S9
ठीक है। अब देखिए आप एस नाइन और एस टेन अलग से फाइंड कर लीजिए, ठीक है, साइड पे फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, देखो एस टेन का मतलब है इसमें एन की वैल्यू 10 फिल करनी है, 4 × 10 माइनस 10 स्क्वायर, नाउ इट बिकम 40 − 100 दैट इज −60। इसी वजह से आपने फाइंड करना है एस नाइन। एस नाइन के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस एन विद 9, क्लियर। नाउ इट बिकम 36 − 81 दैट इज −11 − 6 = 5, 7 − 3 = 4 दैट इज −45, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। देखिए जो ए हमारे पास 10 आ जाएगा वो क्या बनेगा, −60 − −45 दैट इज −60 + 45, क्लियर। सो ए 10 इज −50, मतलब इसकी जो 10th टर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी −50, क्लियर। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आप इसका एस 20 फाइंड कीजिए, सॉरी ए 25, आप इसका ए 20 फाइंड कीजिए, ठीक है, कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसमें अगर हमारे पास ए एन फाइंड करने के लिए जाए, अगर हमें बोले ऑल्सो फाइंड ए एन, ठीक है, तो ए एन के लिए फॉर्मा आपको पता ही है, SN − SN − 1 करना है, क्लियर। मैं लिख देता हूं ऑल्सो फाइंड ए एन इसी के साथ nth टर्म। तो nth टर्म फाइंड करना बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखिए SN आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4n − n², क्लियर। व्हाट अबाउट SN − 1, देखिए यहां पे अगर 10 था तो हमने यहां पे 10 रिप्लेस किया था, तो अब यहां पे है n − 1, तो हम n की जगह पे रिप्लेस करेंगे n − 1, ये स्टेप क्लियर है। तो बस आगे कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। एन स्क्वायर देखिए 4n − 4, इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए a² b² − 2ab, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा 4n − n², माइनस में आ जाएगा 4n − 4, ब्रैकेट ओपन कीजिए −1 + 2n, ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या बनता है, 4n − n², ये ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए डायरेक्टली, 4n + 2n दैट इज 6n, नेगेटिव माइनस माइनस तो −5, तो बाहर आकर लेगा प्लस, प्लस में आ जाएगा n². देखिए n² से n² कट, क्लियर। नाउ ये हमारे पास बन जाएगा 5 − 2n, यानी कि जो हमारे पास ए एन है वो बन गया 5 − 2n, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास है ए एन, क्लियर, ओके बेटा टेक लुक। ओके बेटा देखिए वन मोर एग्जांपल, वेरी सिंपल, ये आपका होमवर्क होगी, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, हमने फर्स्ट 15 मल्टीपल फाइंड करने हैं जिनका सम हमने फाइंड करना है 8 के, तो 8 के मल्टीपल कहां से स्टार्ट होते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स हैं बेटा, 15 मल्टीपल्स हैं, दैट इज मींस 15 टर्म्स। तो आज आपने ये फर्स्ट सम किया था, याद है आपको, यहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, क्लियर, ओके बेटा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आप फाइंड कीजिए कि इसका सम क्या बनता है, क्लियर। तो सम बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, तो आज हमने फाइंड किया है, हमने पहले फॉर्मूला ट्राई किया सम ऑफ एन टर्म्स का, ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की, और एक उसमें एक हमने रिलेशन किया SN का AN के साथ, दैट इज AN इज इक्वल टू SN − SN − 1, ठीक है, ओके बेटा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके बेटा, बाय, गुड नाइट।